मानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे और वो सम्मा खुदा करे। अब देखो इरफान सोलंकी की शुक्रवार को कोर्ट में पेशी हुई, जहां हमेशा की तरह उनकी पुलिस से धक्का मुक्की के दौरान बहस हो गई। इरफान सोलंकी काफी खुशनुमा मूड में नजर आए। किसी सुपरस्टार की तरह हाथ हिलाते हुए उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। बता दें कि इरफान सोलंकी के आधार कार्ड सहित अन्य मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेशी थी, जिसके लिए उन्हें महाराजगंज से कानपुर लाया गया। कोर्ट में पेशी के दौरान इरफान सोलंकी का कॉन्फिडेंस देखने लायक था। पेशी के बाद जब इरफान सोलंकी को वापस महाराजगंज जेल लेकर जाया गया, तो इस दौरान एक बार फिर से इरफान सोलंकी और पुलिस के बीच में झड़प देखने को मिली। इसी बीच जब मीडिया ने इरफान सोलंकी से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने शेर पढ़ते हुए एक अलग ही अंदाज में कहा कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इसके बाद ही पुलिस के साथ धक्का मुक्की के बीच पुलिस इरफान को जीप में बिठा कर ले गयी। बता दे कि इरफान को 5 केसों में रिमांड मिली है, वहीं 2 केसों में तारीख लगी है। इरफान सोलंकी की पेशी 7 मामलों में थी। एमपी एमएलए कोर्ट में उनके ऊपर आधार कार्ड वाले मामले में आरोप तय होने थे और आगजनी वाले मामले में पेशी होनी थी, लेकिन महिला के प्लॉट पर कब्जा करने के लिए आग लगाने वाले मामले में जज की छुट्टी होने के कारण अगली तारीख 4 मार्च तय की गई। वहीं 5 अन्य मुकदमों में इरफान की रिमांड बढ़ाई गई है। इसके बाद उन्हें एक दूसरे मामले में पेशी के लिए ACMM तृतीय कोर्ट लाया गया। यहां उन्हें फर्जी आधार कार्ड मामले में पेश किया गया। गौरतलब है कि इस मामले में आरोपी अम्मार इलाही की ओर से आरोप मुक्त किए जाने का प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसके चलते कोर्ट ने सुनवाई के लिए 4 मार्च की तारीख तय की है। हमारे सहयोगी पेशी के दौरान वहां मौजूद थे। पहले देखिए वहां इरफान को लेकर माहौल क्या था। इरफान सोलंकी को कोर्ट से राहत मिली है नहीं, ये देखने वाली बात है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इरफान सोलंकी को वापस महाराजगंज लेके जाया जा रहा है। उनकी पेशी थी यहाँ पे कोर्ट में, कई केसेस में उनको यहाँ पे पेश किया जा रहा था। कोशिश करेंगे बात करने की इरफान से। आइए मानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे और वो सम्मा खुदा करे। अब देखो सोलंकी, जिनको भारी पुलिस सुरक्षा के बीच में वापस महाराजगंज लेके जाया जा रहा है। आज 7 मुकदमों में इनकी पेशी थी, जिसमें से 5 मुकदमों में इनकी रिमांड तय होनी थी और 2 मुकदमे में आरोप तय होने थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस का काफी बल यहाँ पे मौजूद है। वापस लेके जाया जा रहा है, कोशिश करेंगे एक बार फिर से बात करेंगे। विजुअल्स में देखेंगे आप इरफान को यहाँ पे लेके जाया जा रहा है। हमेशा की तरह कानपुर पुलिस से धक्का मुक्की इरफान की होती हुई, एक बार फिर से वो इस पूरे मामले में नाराज होते हुए, अब देखना यह है कि क्या राहत उनको कोर्ट से मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट समित के साथ सिमर चावला कानपुर यूपी तक। वही यूपी तक इरफान सोलंकी के वकील के पास भी पहुंचा, पूरे मामले पर विस्तार से उन्होंने जानकारी दी, आप भी सुनिए। समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी की आज कानपुर कोर्ट में कई मामलों में पेशी थी। उनको भारी पुलिस सुरक्षा बल के बीच में कानपुर कोर्ट लाया गया और उसके बाद वापस महाराजगंज ले जाया गया। क्या हुआ कोर्ट में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इरफान सोलंकी के वकील गौरव दीक्षित। गौरव जी, ये बताइए कि आज कई मामलों में इरफान सोलंकी की आज तारीख थी, क्या हुआ कोर्ट ने कोई नई तारीख दी है और आज जो केसेस में तारीख थी उस पर रिमांड मिली है, तो कितनी रिमांड मिली है? इरफान सोलंकी से जुड़े मामले में आज 7 मामलों में पेशी थी, गैंगस्टर की नहीं थी, बाकी 7 मामलों की पेशी थी। उन 7 मामलों में 2 मामले जो आगजनी और आधार कार्ड वाले थे, उसमें चार्ज फ्रेम होना था, पर आज चूंकि EDJ 11 कोर्ट वैकेट थी, इसलिए उसमें चार्ज फ्रेम नहीं हो सका। आधार कार्ड वाले मामले में MPMLA कोर्ट में, वहाँ पे को एक्यूज अम्मार अली की तरफ से डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल हुई, इस वजह से वहाँ पर भी चार्ज फ्रेम नहीं हो सका। इसके अलावा 5 अन्य जो मामले थे उसमें रिमांड एक्सटेंशन हुआ है, जिसकी डेट 6 मार्च है। चार्ज फ्रेम वाली डेट वो 4 मार्च के लिए डेट फिक्स हुई है। अगली तारीख पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोर्ट की तरफ से क्या कार्रवाई हो सकती है और इस केस को आगे क्या गति मिल सकती है? देखिए, पहले तो जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल हुई है आज, उनका डिस्पोजल होगा, उसके बाद ही चार्ज फ्रेम होगा। बाकी ये कोर्ट का व्यू है कि वो डिस्चार्ज एप्लीकेशन को 4 मार्च को डिसाइड करते हैं या उसके बाद डिसाइड करते हैं, ये तो को-एक्यूज के काउंसिल पे डिपेंड है। अगर को-एक्यूज जो और भी लोग हैं, अगर वो भी डिस्चार्ज फाइल करते हैं, तो फिर डेट आगे जाएगी। फास्ट ट्रैक
जो है इस पूरे मामले को किया गया है प्रशासन द्वारा, 6 महीने के कहीं ना कहीं अंदर इसको ख़त्म करने की बात कही जा रही है, आपको लगता है कि 6 महीने का जो समय है वो काफ़ी है आपके वकील आपके जो क्लाइंट है उनको न्याय दिलाने के लिए? देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट और 6 महीने वाली जो बात है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय पुलिस कमिश्नर साहब का और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर साहब का बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ बड़ा न्याय किया कि रिजवान सोलंकी के प्लॉट पर जिन लोगों ने आग लगाई हम उनको सज़ा जल्द से जल्द दिलवा पाएंगे, क्योंकि पुलिस का काम तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, जो एविडेंसेज नहीं आए वो आगे पेश होंगे। जिन लोगों ने भी रिजवान सोलंकी के प्लॉट पर आग लगाई है उनको सज़ा जल्द से जल्द मिलेगी, और मैं नहीं चाहता 6 महीने भी चले, मैं चाहता हूँ ये 3 से 4 महीने में डिसाइड हो जाए। और दूसरा, जिन चाहे वो पुलिस वाले हों या कोई भी हो, जिन लोगों ने इरफान सोलंकी का फर्जी आधार कार्ड बनाया और उसके ऊपर झूठा मुकदमा लगाया, उसमें भी उन लोगों को सज़ा मैं जल्द से जल्द दिलवाऊंगा जिन लोगों ने इरफान सोलंकी का फर्जी आधार कार्ड बनाकर उसको फंसाया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे गौरव दीक्षित, इरफान सोलंकी का वकील, जिनका कहना है कि 2 से 3 महीने के अंदर वो इस पूरे मामले में जो दोषी हैं उनको सज़ा दिलाएंगे, और उत्तर प्रदेश प्रशासन को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर यूपी तक।